नमस्कार, मैं वेद प्रकाश, आप देख रहे हैं धाकड़ है हरियाणा। कैमरामैन सुनील गोलप्रिया के साथ मैं वेद प्रकाश। आज हम पहुंचे हैं गांव तालू में, और तालू में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि तालू के एक सैनिक का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है। आप देख रहे हैं राजकीय सम्मान के साथ बीएसएफ के जवान शहीद वीरेंद्र कुमार की डेड बॉडी को लेकर के पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, और भारत माता की जय, जय हिंद के नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले के गांव तालू में आज शहीद की अंतिम यात्रा में हजारों के लोग पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में लोग यहां तालू में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि शहीद वीरेंद्र कुमार बीएसएफ की 50वीं बटालियन में सेवारत थे, और बाड़मेर में उनकी ड्यूटी थी, और उनकी कंपनी अभी एक एक्सरसाइज के लिए जैसलमेर में गई हुई थी, और वहां पर जैसलमेर में वो शहीद हुए हैं। और 9 तारीख को बताया गया है कि वो 9 तारीख को शहीद हुए हैं, और आज उनकी डेड बॉडी गांव में पहुंची है, और राजकीय सम्मान के साथ अब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं वीडियो में भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं उनकी अंतिम यात्रा में, और बीएसएफ के जवान भी पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग गांव तालू में पहुंचे हुए हैं। आपको ये भी बता दें वीरेंद्र कुमार जी के जो पिताजी हैं वो भी बीएसएफ में थे, जिनका नाम महेंद्र सिंह जी है, और बीएसएफ में थे वो भी, और उनके आज जो शहीद वीरेंद्र कुमार की जो डेड बॉडी पहुंची है, इनका भी अंतिम संस्कार होना है राजकीय सम्मान के साथ है, तो वो भी बीएसएफ में तैनात थे, बाड़मेर में तैनात थे, और जैसलमेर में एक एक्सरसाइज में वहां गए हुए थे, और जहां पर वो शहीद हुए हैं। आप देख सकते हैं बीएसएफ के जवान उनकी डेड बॉडी को लेकर के गांव में पहुंचे हैं। पूरे राज्य के सम्मान के साथ अब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं राज्य के सम्मान के साथ, पूरे राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आपके लड़के ने देश के लिए बलिदान दिया है, कब की घटना है ये? जी 9 तारीख की है। आपको कैसे पता चले? मैं तो जी टेलीफोन रहा था। तो टेलीफोन पर क्या संदेश था? टेलीफोन पर संदेश दिया था भाई ऐसे ऐसे कहीं कंपटीशन फायदे में थे, और वहाँ एक्सीडेंट हो गया। पलट गया। कितने साल से सेवा में हैं? ये 24 साल से जी। परिवार में और कौन कौन से? परिवार में 2 लड़के हैं, एक तो चला गया, एक लड़का के 2 पोते हैं, 2 पोते। दूसरा लड़का क्या करता है? छोटा लड़का एस्कॉर्ट कंपनी में सर्विस करता है। वो आपका लड़के ने बलिदान दिया है, तो दूसरे लड़कों को भेजना चाहेंगे फौज में? हाँ जी, भेजना तो चाहेंगे, अगर वो तो उसकी च्वाइस है, और मैं भी फौज में ही था। आप भी फौज में? हाँ जी।
मिलवा के जब आपके भाई ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, कैसा फील हो रहा है? फील तो जी, अगर वाकई में पूछे तो आज मेरी बाजू कटी है, लेकिन मेरे को गर्व है कि मेरे भाई ने जो शहादत दी है देश के लिए, आज पूरे गांव ने जो मान सम्मान दिया है, हमारा दुख आज ही पूरा हरण कर लिया हमने। आज मेरे पिताजी शहीद हुए हैं देश के लिए, और मेरे को गर्व है। और मेरे दादाजी फौज में थे, रिटायर हुए, और मैं भी बड़ा होकर फौजी बनूँगा, देश की रक्षा करूँगा। और आपके पास एक बेटा भी है, क्या उसको फौज में भेजना चाहेंगे? जी, उसको भी बहादुर बनाना। देश के लिए बलिदान बहुत बड़ी चीज है। और कितने साल की उस सर्विस थी उनकी? 38 साल हो गए थे? नहीं, 24 साल। कब बात हुई थी आपके पति से? चार दिन पहले। क्या कह रहे थे? बस वो बॉर्डर पर जा रहे थे, फिर बोले, वो बोले भाई रेंज नहीं है, तो मैं भी दिन में बात नहीं कर पाऊंगा, अभी कर लूँ, अभी उसी टाइम की, तो फिर रेंज कटती रही, फिर बाद में बात नहीं है। फिर शाम को एक बार आया, अगले दिन मैंने ट्राई करी, दो बार बिल्कुल भी नहीं है। तो घर वापसी के लिए कब कह रहे थे? हाँ, 20 तारीख से पहले बोल रहे थे, 20 तारीख से घर आएंगे जी। तो आपको किससे संदेश प्राप्त हुआ कि आपके पति शहीद हो गए? वहीं से किसी का फोन आया था जी, बच्चे लड़की ने बात की थी। रोहतास जी, आज आपके एक बेटे ने देश के लिए बलिदान दिया है, क्या कहना चाहेंगे जी? सर, क्या कहना चाहेंगे, ये लड़का 24 साल सर्विस थी, बहुत ही लायक लड़का था। हमारे गांव में मातम फैल गया है, और ज़्यादा तो मेरे से भी नहीं बोला जा रहा जो उसकी घटना घटी है, या ये बहुत ही ऐसा नहीं है। दो बेटे हैं, मेरे लड़का एक लड़की है उनके, भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले, बच्चे उसके वैसे ही समझदार हैं। एक फौजी के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है जी? फौजी के लिए साहब ऐसा है कि मैं भी 30 साल सर्विस करके आर्मी से रिटायर होया हूँ, जो प्यार मिला शहादत दी भाई ने, उसको जो गांव का राजनेताओं का मंत्रियों का जो प्यार मिला, वो आम आदमी को प्यार नहीं मिलता है। जो आज देखने को मिला है भाई की अंतिम यात्रा में, जो लोग लाखों लोग शामिल हुए और बिल्कुल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हुई है, वो उसी में खुशी है कि मरना तो सभी को है एक दिन, लेकिन ये जो आर्मी BSF CRP के अंदर जो शहादत देता है, उसको सम्मान मिलता है, उसी में हमको खुशी। धन्यवाद। आज अपने गांव का एक बेटा देश के काम आया है, देश पे शहीद हुआ है, और गांव का नाम, प्रदेश का नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन इस शहादत के मौके पर मैं उस भाई वीरेंद्र सिंह, जो मेरे गांव का ही है,
बेसब में थे, उनको शहादत को नमन करता हूँ पूरे गांव की तरफ से। और आज का दिन हमारे गांव के लिए सौभाग्य पूर्व है। अमूमन ये देखने में आता है सरपंच साहब, कोई भी शहीद होता है तो उनका जो दाह संस्कार होता है वो गांव की ओर से एक अलग से जगह दी जाती है, वहाँ पर होता है। लेकिन आज तालु गांव में जो शहीद का जो अंतिम संस्कार हुआ है वो शमशान घाट में ही हुआ है, तो क्या ऐसे कोई जगह निर्धारित नहीं की अभी तक? ऐसा जी, जैसे शाम को ही पता चला सभी गाँव वासियों को, इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया अभी। जहाँ पर जो शमशान भूमि है उसमें ही दाह संस्कार किया गया है। जब जैसे ही हम पूरे गांव के हिसाब से निर्णय लेके हम चाहेंगे कि उसकी शहादत के लिए स्मारक बने, उसमें उसका नाम जो उन्होंने नाम अपना रोशन किया है वो अमर रहे, तो हम चाहेंगे ग्राम पंचायत पूरी सहयोग करेगी इसमें ताकि एक समाधि स्मारक उसका बने। धन्यवाद।